इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम ई भी कहते हैं और ई के जी भी कहते हैं तो ई क्या है ये रिकॉर्ड है किसका हार्ट बीट का हार्ट साइकिल का और जिसे हम आपने देखा होगा कि एक ग्राफ के ऊपर हम ये बीट्स दिखाई जाती हैं जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टूल है टू स्टडी द हार्ट उसके अंदर कंडक्शन देखी जाती है जैसे हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को देखा तो ये एक बहुत बड़ी डिवाइस है जैसे जैसे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के अंदर उनको देख के हार्ट की कंट्रैक्शन को जज करते हैं कि वेयर द प्रॉब्लम लाइज सो इलेक्ट्रोकारोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियो सॉरी ग्राम इज द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एक्शन पोटेंशियल ओवर द सर्फेस ऑफ हार्ट एज वेव्स कार्ड पी क्यू आर एस एंड टी कर तो ये जो चीजें हैं ये इसे हम आगे स्लाइड uh, के अंदर देखते हैं द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज प्रोड्यूस्ड वेन इम्पल्स ट्रेवल थ्रू कार्डिक मसल्स ड्यूरिंग द हार्ट साइकिल जैसे हमने देखा इट इज एस ए नोड इज एवी नोड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट चलती है इलेक्ट्रिकल जनरेट होती है एंड देन स्प्रेड्स होगा और ये जो इलेक्ट्रिक uh, जो करंट है ये फिर बॉडी फ्लूड्स में पास होते हुए स्किन के ऊपर भी महसूस की जा सकती है जिसके ऊपर पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और वहाँ से फिर वहाँ से फिर ये सारी रिकॉर्डिंग होती है तो ये इस दिस इज़ द नॉर्मल एक साइकिल है और इसे uh, uh, ये दिखाया गया है इन वेव्स में और uh, ये uh, वेव्स जो हैं ये जैसे हमने पहले भी जिक्र किया दर आर पी क्यू आर एस एंड देन द टी और दिस पीव जो पीक बनती है दिस इज इनफैक्ट एट्रियल कंट्रेक्शन एट्रिया जब कॉन्ट्रेक्ट करते हैं या यूं समझे कि ऐसे नोड से जनरेट होती है इम्पल्स तो वो इस पीक की फॉर्म में वाजे होती है ऑन टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी ये हम देखते हैं कि सर्फेस के ऊपर भी जो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं वो अगली डायग्राम में देखते हैं देन क्यू दे आर एस वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन ये वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन है जिसे हम कहते हैं क्यू आर एस then there is a PR, PR, this is PR. ye ventricular filling hai ye contraction bhi hai QRS jo hai it is ventricular contraction and PR is the ventricular filling, जैसे हमने like, uh, cardiac cycle ke andar dekha tha और उसके बाद there is a T wave, this is a T wave which is ventricular contraction. तो ये एक normal heartbeat है या वो peaks हैं जो कि एक ECG में record होती हैं. और यहाँ पे ये यह पेशेंट है और इसके ऊपर आप देख लेंगे सवेन इलेक्ट्रोड्स जो कि फिट की जाती हैं यहाँ भी है यहाँ भी है इसके रिस्क पे भी लगाया जाता है और ये है वो मशीन विच इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ये है वही जो रिकॉर्ड होती है और मॉनिटर के ऊपर जिसे हम देख सकते हैं तो ये इनफैक्ट ये वही इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के ऊपर स्प्रेड होते हैं और इसको सरफेस के ऊपर स्किन की स्किन के ऊपर जैसे फील कर दिया और ये इस लिहाज से हम कह सकते हैं दिस मिशी इज़ वेरी सेंसिटिव कि उन ना उन वेव्स को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को रिकॉर्ड uh, करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और जैसे हम ई सी जी कहते हैं सो द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दस प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू बॉडी फ्लूड्स टू द बॉडी सर्फेस ये हम जिक्र कर चुके These currents can be detected by electrodes jo hum hain, skin cube that is placed on the skin recorded as waves PQRST. Now ECG gives important information concerning the spread of excitation to different parts of the heart. ECG is of great value in uh, the diagnosis of cases of abnorm abnormal cardiac rhythm and myocardial damage. तो जैसे जिक्र किया कि ये भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द हार्ट ई सी जी इज रिकॉर्डेड बाई डिवाइस कार्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो मशीन जो है दर इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है तो so ये भी वही वही चीज़ है दर इज नॉर्मल ई सी जी कर्व है और इसी तरह ये कंटिन्यूसली चलता जाता है और मॉनिटर के ऊपर आता है तो दैट्स ऑल